हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जिनके ग्रे हेयर है, व्हाइट हेयर है, रूट्स उनके व्हाइट है, उनको टचअप करना होता है, वो केमिकल्स वाले डाई यूज नहीं करने होते। नेचुरल तरीके से जिनको बाल काले करने हैं उनके लिए ये वीडियो खास है। इस वीडियो में मैंने जो रिव्यू किया है श्री हर्बल मेहंदी का, पूरी तरीके से नेचुरल मेहंदी है। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है आप उसके बैक साइड में देख सकते हो, पूरी तरीके से उन्होंने मेंशन करके रखा है कि इसमें उन्होंने क्या क्या ऐड किया है। और ये मेहंदी मैंने खुद ट्राई की है, मेरे बालों पे मैंने खुद ट्राई की है और इसका बहुत ही हॉनेस्ट रिव्यू आपको मिल जाएगा, लाइव रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखे, कहीं स्किप ना करें, स्किप करोगे तो शायद कुछ बातें हो आपसे मिस हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखे। चलिए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है श्री हर्बल नेचुरल लुक काली मेहंदी। जी हाँ, मेहंदी है लेकिन काली है, इंस्टेंट आपके बाल काले हो जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ है मेड इन उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड की खूबसूरती, नेचर हम सबको मालूम है। और इस कंपनी यहाँ क्लेम करती है कि ये हर्बल है, ब्लैक ही ना है लेकिन हर्बल है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है जो कंपनी क्लेम करती है कि ये नेचुरल है। ओके, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से, आई होप कैमरा अच्छे से कवर कर ले। तो यहाँ है मेहंदी पत्र, आंवला, बालछड़, बहड़ा, शिकाकई और नीम। तो अगर आप देखोगे तो सब इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं नेचुरल है और कंपनी क्लेम करती है कि नेचुरल काली मेहंदी है। ओके, और लगाने का अगर आप 20 ग्राम लगभग 20 ग्राम नेचुरल लुक काली मेहंदी को मुलायम पेस्ट बनाकर बालों में लगा ले, लगभग 30 मिनट के बाद बालों को साफ पानी से अच्छी तरह से धोए। और कंपनी यहाँ क्लेम करती है इसके प्रयोग से बाल चमकदार, काले एवं मजबूत होते हैं। ओके, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ और उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी जो प्राइस है वो है 80 रुपीज़। ओके, मीन्स इतना जो पैक है इसकी प्राइस है 80 रुपीज़। अगर आप इसकी देखेंगे तो 2 ईयर्स शेल्फ लाइफ है। मैं आपको इसको मेरे बालों पे भी लगा के दिखाऊंगी, बाल धोने के बाद भी आपको दिखाऊंगी। हम एक खोल लेते हैं, इसमें क्या क्या है हम देखेंगे। ओके, तो इसमें 2 पैकेट्स है, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं कैमरे के सामने यूज़ करके दिखाने वाली हूँ। तो ये एक पैकेट है और ये है दूसरा पैकेट, तो मीन्स 2 पैकेट्स आए हैं हमें 80 रुपीज़ में। आपको जितनी चाहिए उतनी आप यूज़ कर सकते हैं, मीन्स मुझे लगता है ये बहुत दिनों तक चल जाएंगे अच्छे से। और ये आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ खोल के, यहाँ देखिए। ओके, तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स उन्होंने दिखाए हैं, आंवला, शिकाकई, उनकी सबकी इन्होंने पाउडर बना के इस तरीके से इन्होंने काली मेहंदी तैयार की है। और ये नेचुरल काली मेहंदी है और इससे आपके बाल इंस्टेंट काले हो जाएंगे, कोई डाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, हार्मफुल केमिकल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो नेचुरल और हर्बल चीज़ें हैं उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। और अब मैं आपको इस मेहंदी को मेरे बालों पे लगा के दिखाऊंगी, लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ रिव्यू किया और वीडियो बना दिया, नहीं। कौन सा भी प्रोडक्ट हो, कौन सी भी रेमेडी हो, खुद मैं ट्राई करती हूँ, स्किन हो या हेयर हो। और मेरे खुद के ग्रे हेयर से तो मैं ऐसी चीज़ें हमेशा ट्राई करती रहती हूँ, कभी केमिकल हार्मफुल डाई यूज़ नहीं करती हूँ। ऐसी रेमेडीज़, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। जितनी मेहंदी चाहिए उतने मैं इसमें से निकाल लूँगी। ओके, और मैं तो कहूँगी फ्रेंड्स कि प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें ट्राई करते रहिए, हार्मफुल डाई से तो बहुत अच्छा है। जिनको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम से, वाइट हेयर से परेशान है, हर रूट टचअप करना पड़ता है उनको, मुझे जितनी चाहिए उतनी मैं लूँगी यहाँ। ओके, क्योंकि मेरे भी ग्रे हेयर से, आप अपने हिसाब से लीजिए आपको जितनी चाहिए, और बहुत दिन तक ही चल जाएंगी मुझे ऐसे लगता है, तो इतनी इनफ है मेरे लिए। ओके, मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, उन्होंने मुलायम पेस्ट बनाने को कहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लूँगी अच्छे से। तो यहाँ देखिए इसकी पेस्ट लगभग रेडी हो चुकी है, पेस्ट बहुत अच्छे से रेडी हुई है और मुझे तो अच्छी ही दिख रही है। ओके,
ओके अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। आप हाथ से भी लगा सकते हो लेकिन हैंड ग्लोव ज़रूर ट्राई करें, ट्राई नहीं यूज ही करें। और जो ब्रश होता है उससे भी आप लगा सकते हो। आज मैं आपको ये मेहंदी लगा के दिखाने वाली हूँ और डायरेक्ट मेरे हेयर पे मैं इसे अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ आपको। ओके तो मेरे भी कुछ ग्रे हेयर्स है, आई होप कैमरा इसे कैच कर ले। तो मेरे यहाँ ग्रे हेयर है। ओके मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं कुछ ऐसी रेमेडीज होती है हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। ओके तो अगर मेहंदी का कलर देखोगे आप तो मेहंदी का कलर देखिए बहुत अच्छे से ब्लैक हुआ है और किसी डाई से कम नहीं लग रहा है। आपको मैं इसको लगा के दिखाऊंगी, इसका रिज़ल्ट कैसे आता है आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगी, लगाने के बाद भी आपसे शेयर करूंगी आफ्टर 30 मिनट्स। यहाँ मैंने हैंड ग्लोव्स पहन लिए हैं, आप भी पहनिए प्लीज़। तो मेरे हेयर्स नॉर्मली बहुत है इस साइड में। ओके तो हम इसे लगाएंगे इस तरह से, स्मूथली लग रही है अच्छे से। स्काल्प पे मत लगाइए, रूट से लगाइए लेकिन स्काल्प पूरा काला मत होने दीजिए। और अच्छे से इसे लगा लीजिए और टाई कर लीजिए। तो यहाँ देखिए अच्छे से मैंने मेहंदी लगा ली है। ग्रे हेयर मेरे नॉर्मली इस साइड में है तो वही मैंने अच्छे से मेहंदी लगाई है। कोई इरिटेशन नहीं हो रही है, कोई इचिंग नहीं हो रही है। और नॉर्मली हम कलर हेयर डाई लगाने के बाद थोड़ी सी इरिटेशन या थोड़ा सा इचिंग होता है, वैसे कुछ नहीं हो रहा है। स्मेल भी बहुत अच्छा है और इसका रिज़ल्ट हम अभी देखेंगे आफ्टर 30 मिनट्स। अब मैं आपको मिलती हूँ 30 मिनट के बाद। आपने देखा होगा मैंने काली मेहंदी लगाई थी और आफ्टर 30 मिनट्स के बाद मैंने वॉश कर लिए थे हेयर और अब भी मैं बहुत अच्छे से हेयर मेरे सुखा के आई हूँ। कोई मैंने सीरम नहीं लगाया है, ना कोई स्ट्रेटनिंग की है। ओके तो आप देख लीजिए और आपको मैं लाइव रिज़ल्ट दिखाऊँगी। सही में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आपको कि आप ये काली मेहंदी ट्राई करें एटलीस्ट वन टाइम। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर इसे ट्राई करोगे। आपको मैंने कहा था कि मेरे ग्रे हेयर है इस साइड में, तो जो मेहंदी मैंने लगाई बहुत अच्छे से मेरे पूरे हेयर कवर हो गए। तो एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे नॉर्मली ग्रे हेयर यहाँ देख सकते हो, ये देखिए। और बालों में एक शाइन भी आ गई है, ये देखिए बालों में बहुत अच्छे से शाइन आई है। और जितने भी ग्रे हेयर है बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं और सही में बहुत अच्छी मेहंदी है। आप ज़रूर एक बार तो ज़रूर ट्राई करिए। जिनको डाई नहीं लगानी है, केमिकल हार्मफुल डाई नहीं यूज करनी है, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। और शाइन तो देखो आप, शाइन बहुत अच्छी आई है, देखिए बहुत अच्छी सी शाइन भी आई है। और मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी कि आप भी ये मेहंदी ज़रूर ट्राई करें। खुद आप देख सकते हो बाल एकदम मैनेजेबल हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, हाथ लगाओ तो ये देखिए स्मूथ हो गए हो। और जितने ग्रे हेयर थे मेरे वाइट हेयर थे, जो रूट्स थी वाइट वो भी कवर हो गई है अच्छे से। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि ये मेहंदी आप ट्राई करें। इस मेहंदी को लगाने से पहले प्लीज़ पैच टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हर मेहंदी हर डाई हर रेमेडी किसी को सूट नहीं होती है। तो प्लीज़ पैच टेस्ट कर लीजिए और इसे इस्तेमाल करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ मैं लिंक्स दे दूंगी, अगर आप बाय करना चाहो तो आप वहाँ जाके भी आप बाय कर सकते हो, वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली भी शेयर कर देना, शायद किसी को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।